हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। नवहट्टा टेक में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार दुर्गा मेंस का जो कि प्रैक्टिस सेट। आज हम लोग देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट संख्या 5। अगर आप लोग 1 से 4 तक प्रैक्टिस सेट संख्या नहीं देखे हैं तो कृपया चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से आप लोग 1 से 4 तक प्रैक्टिस सेट संख्या देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज का प्रैक्टिस सेट संख्या 5 को देखते हैं। अगर आप लोग इसका PDF लेना चाहते हैं तो आप लोग को PDF मिल जाएगा। आप लोग टेलीग्राम पर जाकर सर्च करिएगा नवहट्टा टेक ऑफिशियल, वहाँ से आप लोग ज्वाइन करके PDF को ले सकते हैं। अन्यथा आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी जुड़कर ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज का प्रैक्टिस सेट संख्या 5 को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है, जब बाह्य एजेंटों के खिलाफ शारीरिक प्रतिरोध को मजबूत करने के लिए पहले से तैयार एंटीबॉडी प्रत्यक्ष रूप से दिए जाते हैं तो इसे कहा जाता है, देखिए पैसिव इम्यूनिटी कहा जाता है, ठीक है। देखिए, मैथ का प्रश्न आ गया, इसका आप लोग का मैं आंसर बताते चल रहा हूँ। देखिए, इसमें राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 500% हो जाएगा। देखिए, 3 का इसमें राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 4 कह रहा है प्रश्न में, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन परियोजना किस वर्ष शुरू किया गया था? तो इसमें देखिए 4 का राइट ऑप्शन सी हो जाए, 2019। कब हो जाएगा? 2019 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, बिहार के कितने उत्पाद को GI टैग मिल चुका है बिहार के? तो इसमें राइट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 12। देखिए, मिर्चा चावल जो कि 2023 में मिला है कृषि के क्षेत्र में, फिर कतरनी चावल का, शाही चावल, फिर मिथिला मखाना, जरदालू आम, मगही पान और मधुबनी पेंटिंग, भागलपुर सिल्क, सुजनी कढ़ाई, सिक्की ग्राम हैंडीक्राफ्ट, फिर अपली के यानी सटोवा का, असलाइबा खाजा का, ये सब मिल गया है। ठीक, अगला है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्विष्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्ट्रक्शन को हमारे संविधान के निम्नलिखित में से किस रूप में शामिल किया गया था? इसमें देखिए राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राज्य की निर्देशन तत्व में शामिल किया गया है। अगला है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा परीक्षा संगम पोर्टल जारी किया गया है? तो देखिए इसमें 7 का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, CBSE के द्वारा जारी किया गया है। इसमें क्या होता है ना, तो इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य है कि 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं से संबंधित सभी जानकारियाँ उपलब्ध कराना। अगला है कि नगर निगम प्राप्त करने वाला बिहार का पहला शहर कौन सा हो जाएगा? नगर निगम, तो ये हो जाएगा मुजफ्फरपुर। कौन सा हो जाएगा? मुजफ्फरपुर। और इसमें बात कर लेते हैं कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कुल 12 नगर निगम तथा 12 शहरों की जनसंख्या 2 लाख से अधिक है। ठीक, और पटना नगर निगम पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित है, जिसका गठन कब हुआ था? 15 अगस्त 1952 ईस्वी में किया गया था। और पटना नगर निगम का स्थापना पूछेगा तब इसमें 1864 में, और गठन पूछेगा तो 1952 में। नेक्स्ट है, कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? इसमें देखिए पादप है और खान योग भाग हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं, देखिए इसमें हो जाएगा आलू, आलू के जड़ नहीं हो जाएगा, आलू के हम लोग क्या खाते हैं? देखिए, आलू के खान योग भाग कंद या रूपांतरित तना होता है। ठीक है, इसमें प्याज, प्याज के पुष्ट यानी पादप होते हैं, सॉरी पुष्प जो कि उसका पत्ता खाते हैं हम लोग, शल्कपंद, और केसर का फूल हो जाएगा, अदरक का प्रकंद हो जाएगा। इसमें राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए, अगला प्रश्न है, इसमें 10 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो इसमें देखिए राइट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 10 का, संयुक्त राज्य अमेरिका का हो जाएगा। ठीक, इसमें सबसे देखिए ऑप्शन के अनुसार है अमेरिका हो जाएगा, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? रूस, उसके बाद कनाडा, फिर तीसरा नंबर अमेरिका, और चौथा पर चीन, और पांचवा पर ब्राज़ील, और छठवा हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, सातवा हो जाएगा भारत, आठवा हो जाएगा कौन सा? अर्जेंटीना, और नौवा हो जाएगा कजाकिस्तान, दसवा हो जाएगा अल्जीरिया। ये सब आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, नागरिक सेवाओं के लिए AI संचालित चैटबॉट बीरबल को किस राज्य केंद्रशासित प्रदेश ने लॉन्च किया है? बीरबल को। नेक्स्ट देखिए, 11 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, चंडीगढ़। क्वेश्चन लॉन्च किया है चंडीगढ़। देखिए, मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना को उत्तराखंड ने प्रारंभ किया है, किसने? उत्तराखंड ने। और डॉक्टर पुनीत कुमार
डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना का शुरुआत कर्नाटक सरकार द्वारा किया गया है। और वहीं बात कर लेते हैं कि एनटीपीसी आईएलई ने कच्छ गुजरात में दयापार पवन परियोजना का शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट है कि अपघटक प्रकृति के डैश हैं क्योंकि वे पौधे और जानवरों के शवों के लिए जाने जाने वाले कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करते हैं। इसमें देखिए राइट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पुनःचक्रण एवं रिसाइकिल करते हैं। ठीक है, देखिए 13 का राइट ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध अपने स्थान के साथ सही सुमिलित नहीं है। देखिए 14 का राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उकाई। उकाई देखिए ताप्ती नदी पर गुजरात में हो जाएगा, ठीक है, और हीराकुंड बांध बनते हैं तो उड़ीसा में हो जाएगा, और महानदी पर बंगलिहार जम्मू कश्मीर पर हो जाएगा, और इसमें चिनाब हो जाएगा, पचेत हो जाएगा झारखंड में, जो कि दामोदर हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए 15 का राइट ऑप्शन नंबर इसमें ए हो जाएगा 12, और 16 का इसमें राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3400 मीटर। पेट के अल्सर को ठीक करने के लिए उपयोग की जाने वाली दवाओं को जाना जाता है। पेट के अल्सर को ठीक करने के लिए उपयोग की जाने वाली दवाओं को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो इसमें हो जाएगा हिस्टामाइन के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक, हिटलर ने आत्महत्या कब किया, तो ये हो जाएगा अप्रैल 1945। नेक्स्ट, अष्टाध्यायी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया, अष्टाध्यायी, तो ये कौन सा हो जाएगा, पाणिनि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला कह रहा है कि कैवल्य पद निम्न में से किस धर्म या संप्रदाय से संबंधित हो जाएगा कैवल्य, तो इसमें देखिए 20 का राइट ऑफ सी हो जाएगा जैन धर्म, कौन सा हो जाएगा, जैन धर्म से हो जाएगा। देखिए 30 वर्ष की आयु में महावीर जो तपस्वी क्या कहते थे, तो 12 वर्षों की कठोर तपस्या के कारण उनको क्या हुआ था, तो कैवल्य प्राप्त हुआ था। जैन धर्म के 24वें तीर्थ कौन थे, तो महावीर थे। 23वें कौन हो जाएगा, पारसनाथ, और पहला पूछेगा तो ऋषभदेव। नेक्स्ट है कि अर्बोरिकल्चर का संदर्भित करता है किसको, तो ये हो जाएगा वृक्षों एवं झाड़ियों के संवर्धन हो जाएगा अर्बोरिकल्चर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्र वनच्छादित है, तो इसमें हो जाएगा मिजोरम, कौन सा जगह, मिजोरम। देखिए इसमें बात कर लेते हैं कि मिजोरम का, तो 17वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार मिजोरम सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला हो जाएगा। ठीक है, और सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत मिजोरम कितना हो जाएगा, 84.53% हो जाएगा। वहीं अरुणाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं तो इसमें 79.33 हो जाएगा। ठीक है, और मेघालय में कितना हो जाएगा, तो 76% हो जाएगा, यानी 76%। अगला है, कुनैन का उपयोग मलेरिया के उपचार में किया जाता है, तो यह प्राप्त किया जाता है कुनैन, तो किससे हो जाएगा, तो सिनकोना के वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। अगला है कि भारतीय संविधान के अनुसार न्यायिक समीक्षा की शक्ति किसमें निहित है, न्यायिक समीक्षा की शक्ति ये हो जाए कौन सा, तो सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों में हो जाए। ठीक है, अगला है, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद को प्रदत्त संशोधनकारी शक्ति उसे संविधान के मूल संरचना में परिवर्तन करने की शक्ति नहीं देती है, तो किसे, तो ये हो जाएगा केशवानंद भारती वाद 1973। ठीक, बिहार का पहला चीनी कारखाना किस स्थान पर स्थापित किया गया था, चीनी कारखाना, तो ये हो जाएगा मढ़ौरा, कहाँ हो जाएगा, मढ़ौरा कहाँ है, तो बिहार के सारण जिले में है। ठीक ना, इसकी स्थापना कब हुआ था, तो 1904 में किया गया था। अब बिहार में गन्ना विभिन्न विभाग पहली बार 1935 में बनाया गया था। ठीक, नेक्स्ट है देखिए 27 का इसमें राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 88, कितना हो जाएगा 88। नेक्स्ट है 28 नंबर क्या हो जाएगा, 28 में कह रहे हैं भारत में रेल परिवहन में बिहार का स्थान कौन सा हो जाएगा, भारत में रेल परिवहन में बिहार में कौन सा स्थान हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा 8वां, कौन सा हो जाएगा, 8वां। देखिए वर्तमान में बिहार में रेलवे मार्ग की कुल लंबाई 3803 किलोमीटर है, जो भारत के कुल रेल मार्ग का कितना परसेंट, 5.6% है। अगला है कि देखिए 29 का इसमें राइट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, सॉरी 29 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, 20 बटे में 3 हो जाएगा। अगला देखिए 30 नंबर में, इसमें देखिए 30 का राइट ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा,
और 31 नंबर कह रहा है दो संख्याएं जैसे 2:3 के अनुपात में है यदि उनका लसह 180 है तो मसह एवं बड़ी संख्या का योगफल ज्ञात करें। तो 31 का इसमें राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 120। कौन सा हो जाएगा 120। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से महासागर मलक्का जलडमरू मध्य से जुड़े हुए हैं। तो इसमें देखिए 32 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा हिंद महासागर और प्रशांत महासागर। हिंद महासागर और प्रशांत महासागर हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि भारत के पश्चिमी तटों का दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम कौन सा हो जाएगा। तो इसमें देखिए 83 का राइट ऑप्शन कौन सा, सॉरी 83 बोल रहे हैं इसमें, 33 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, मालाबार तट, केनारा तट और कोंकण तट। मालाबार कहाँ हो जाएगा, तो मालाबार देखिए केरल कर्नाटक में हो जाएगा और केनारा तट केनारा गुजरात में, कोंकण कोंकण कहाँ हो जाएगा, तो कोंकण देखिए इसमें जो कि पश्चिमी घाट का हो जाएगा। ठीक ना, देखिए इसमें बात कर लेते हैं, देखिए पश्चिमी घाट में पट्टी यानी उत्तर में कैम्बे की खाड़ी और दक्षिण में केमोरिन यानी कन्याकुमारी है। ठीक, अगला है कि आधुनिक अनुवांशिकी के जनक का उपाधि दी गई थी किसको। इसमें हो जाएगा गेगरी जॉन मेंडल को। किसे हो जाएगा, गेगरी जॉन मेंडल हो जाएगा। मानव के शरीर में जल होता है कितना परसेंट, मानव के शरीर में तो ये हो जाएगा 60 से 70%, 60 से 70% जल होता है। अगला है निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत सरकार द्वारा देश में जीवन बीमा वायसराय उद्योग, जीवन बीमा वायसराय उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो इसमें देखिए 36 का राइट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 1956 में, 1956। अगला है कि जेल विद्युत संचालन तकनीकी का उपयोग किया जाता है। तो इसमें देखिए राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डीएनए खंड के पृथक्करण एवं विघलन में। नेक्स्ट के भीम बेटिका शैलाश्रय भारत के किस राज्य में स्थित है। भीम बेटिका तो ये हो जाएगा कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। कहाँ हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। अगला है कि सिखी ग्रंथ है, सखी ग्रंथ अनुराग सागर और बीजक निम्नलिखित में से किसकी कृति हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कबीरदास की। आप लोगों को पता ही चल गया है सिखी ग्रंथ अनुराग सागर और बीजक कबीर का हो जाएगा। किस वर्ष गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। ये कब हो जाएगा, 1931। कब हो जाएगा, 1931 से। कांतो मैदान, कांतो मैदान किस देश का हिस्सा है। कांतो मैदान तो ये हो जाएगा देखिए जापान। कहाँ हो जाएगा, जापान का हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि रीजनिंग का प्रश्न है। इसमें देखिए 42 का राइट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि बिहार में सर्वप्रथम नगर पालिकाओं की स्थापना कहाँ किया गया था। सर्वप्रथम तो ये हो जाएगा आरा में। सबसे पहले कहाँ किया गया था, आरा में। बिहार का पहला नगर निगम की स्थापना पटना नगर निगम है। तो इसकी स्थापना 15 अगस्त 1952 में किया गया था। इसमें बोल रहा है कि बिहार में सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना 1865 में आरम्भ किया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस देश के साथ, किस देश के साथ भारत अपनी सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। कौन सा हो जाएगा, देखिए इसमें राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, अफगानिस्तान हो जाएगा। कौन सा, अफगानिस्तान। अभी तक अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर के साथ सीमा साझा करता है जो कि पीओके यानी पाक आक्रमित कश्मीर में है। अगला है कि बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है। पुरुष, तो इसमें देखिए 45 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। कहाँ पे, रोहतास। कितना हो जाएगा, तो 82.88% हो जाएगा। ठीक ना, याद रखिएगा। अगला है कि कभी कभी समाचारों में देखे जाने वाले शब्द इनोसीमिया और यूसीमिया, एयूसिया शब्द किससे संबंधित हो जाएगा। ये हो जाएगा क्रमशः गद और स्वाद की हानि से हो जाएगा, गद और स्वाद की हानि से। देखिए 47 का इसमें राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तीन आ जाएगा। आप लोग इसका निकाल लीजिएगा। नेक्स्ट है कि नई संसद भवन की में कुल सीटों की संख्या कितना हो जाएगा नई संसद भवन में। तो इसमें देखिए राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1272 हो जाएगा। उसमें जो कि लोकसभा की 888 हो जाएगा और राज्यसभा का 384 हो जाएगा। अगला है देखिए 49 का, इसमें राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इंसुलिन में कौन सा ट्रेस तत्व होता है, इंसुलिन में, तो ये हो जाएगा जिंक। कौन सा हो जाएगा, जिंक हो जाएगा। अगला है कौन सा सरदार सुरन सिंह समिति की अनुशंसा का परिणाम है। तो इसमें देखिए कारण राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, मूल कर्तव्य। कौन सा हो जाएगा, मूल कर्तव्य।
अगला कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। इसमें देखिए 52 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, 5। कितने प्रकार हो जाएगा? 5, ठीक ना। रानी विक्टोरिया द्वारा केसर हिंद की उपाधि ग्रहण करने के समय वायसराय कौन था? तो इसमें हो जाएगा लॉर्ड लिटन। कौन था? लॉर्ड लिटन था। अगला है कि किसने डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी? तो ये हो जाएगा कौन सा? जवाहरलाल नेहरू। कौन सा हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। अगला है सरपड़ोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है डैश कविता को पहली बार किसने गाया था? किसने गाया था? तो ये हो जाएगा कौन सा? तो इसमें हो जाएगा देखिए 54 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, चंद्रशेखर आजाद। कौन सा हो जाएगा? चंद्रशेखर। इसमें 55 नंबर कह रहा है, तो इसमें सर्वप्रथम की तमन्ना राम प्रसाद बिस्मिल हो जाएगा। कौन हो गए? राम प्रसाद बिस्मिल। देखिए माफ़ करिएगा, कभी हो जाता है, लेकिन आप लोग को मैं राइट आंसर बताने की कोशिश करता हूँ कि एक भी क्वेश्चन मिक्स ना हो। आप देखिए यहाँ पे आप लोग देखिए डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन हो गए? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है न्यूट्रॉन के गुण, न्यूट्रॉन के गुण के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए 56 का इसमें राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाए, न्यूट्रॉन परमाणु नाभि के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। अगला है कि IRDA का पूर्ण रूप क्या है? IRDA के, तो इसमें हो जाएगा बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण, बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण हो जाएगा। अगला है कि किन तरंगों की उत्पत्ति नाभि के रेडियोधर्मी क्षय द्वारा होती है? तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा, 58 का इसमें राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गामा तरंगे। कौन सा जगह? गामा तरंगे। बिहार में एक जिले की औसत जनसंख्या कितना है? एक जिले की औसत जनसंख्या, तो इसमें देखिए राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि दी गई श्रेणियों में इसमें बताना है कि विद्यार्थी शिक्षक और विद्यालय, कौन सा इसमें हो जाएगा? तो इसमें देखिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक विद्यालय। विद्यालय में क्या रहते हैं? जो कि शिक्षक भी रहते हैं और विद्यार्थी भी रहते हैं। नेक्स्ट है पीर पंजाल श्रेणी में सीधे सपाट ऊपरी स्थानों को कहा जाता है? पीर पंजाल में सीधे सपाट ऊपरी स्थानों को क्या कहा जाता है? तो इसमें देखिए हो जाएगा करेवा। क्या कहा जाता है? करेवा। देखिए करेवा पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के ऊपरी स्थलीय स्थान है जो कि उपजाऊ होता है और इसका उपयोग केसर की खेती के लिए किया जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 62 नंबर में, निम्न में से कौन सी नदी मुहाना यानी उस्चुरी बनाती है? तो इसमें देखिए हो जाएगा नर्मदा ताप्ती सब हो जाएगा, उस्चुरी बनाती है, उसको कहते हैं ज्वार नदमुख, ठीक ना। और प्रदीप भारत की नदियाँ जैसे नर्मदा ताप्ती भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित भी होती है और ज्वार नदमुख का निर्माण भी करती है, और कहाँ गिरती है? तो अरब सागर में। डिग्री सेल्सियस के केल्विन में बदलने के लिए कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए? तो कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए? तो इसमें देखिए हो जाएगा 273.15, 273.15 हो जाएगा, ठीक ना। इसमें इसका निकालने का पैमाना होता है जिसे कि कैलविन होता है, कि कैलविन माइनस 273 बट्टे में 100 कर लीजिएगा, और फारेनहाइट में चेंज करने के लिए तो डिग्री फारेनहाइट है, फारेनहाइट माइनस 32 बट्टे में 100 कर लीजिएगा, इस पर आ जाएगा। अगला है कि देखिए दो पार्श्व को एक साथ फेंका जाता है तो उन पर पाए जाने वाले अंकों की योग 7 होने की संभावना क्या है? तो इसमें हो जाएगा 6। कौन सा हो जाएगा? 6। अगला एक निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें देखिए राइट ऑप्शन नंबर सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती है। देखिए सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती है, यह कथन क्या है? गलत है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 अर्थात सम संख्या होती है, ठीक ना। अगला कह रहा है कि तेज गति से गुजरती ट्रेन की सीटी की आवाज़ उसके दूर जाने के साथ घटती जाती है, इस परिघटना को निम्नलिखित में से किसके द्वारा समझाया जा सकता है? तो ये हो जाएगा डॉपलर प्रभाव। डॉपलर प्रभाव क्या होता है ना कि ट्रेन आती हुई पास उसका सीटी क्या होता है? अधिक सुनाई देता है, और दूर जाती हुई तो कम सुनाई देता है। ये सब उतार चढ़ाव होता है डॉपलर प्रभाव के कारण। चेरो विद्रोह हुआ था, चेरो विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये हो जाएगा सरदार भूषण सिंह के नेतृत्व में हुआ था। चेरो विद्रोह हुआ था सरदार भूषण सिंह के नेतृत्व में, जो कि 1800 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध किया गया था, और इस कंपनी ने चूरामन को चेरो की राजा के रूप में पदस्थ किया, और जिसने बदले में जनता के भारी भर कर असूला। अगला है देखिए निम्न में से कौन सुमित है? इसमें देख लेते हैं, इसमें कह रहा है राष्ट्रीय संग्रहालय। राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ हो जाएगा? तो नई दिल्ली में। कहाँ हो जाएगा? नई दिल्ली में। आप पार्टीशन संग्रहालय, पार्टीशन संग्रहालय कहाँ हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अमृतसर में।
नेपियर संग्रहालय, नेपियर संग्रहालय कहाँ हो जाएगा तो तिरुवनंतपुरम हो जाएगा। आदिवासी संग्रहालय कहाँ हो जाएगा, पतालकोट एमपी में हो जाएगा। ठीक, इसमें देखिए 68 का राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि 2018 में वस्तु कला के क्षेत्र में प्रोत्सेजकर आर्किटेक्चर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय पुरस्कार डैश का निधन हो गया, तो इसमें हो जाएगा डॉक्टर बालकृष्ण दोषी, डॉक्टर बालकृष्ण दोषी। अगला है बिहार की निम्नलिखित महिला साक्षरता, महिला स्वतंत्रता सेनानी में से किसने भगत सिंह को दिए गए मृत्युदंड के विरुद्ध आवाज़ उठाने के लिए लोगों को संगठित किया था, जो कि भगत सिंह का मृत्युदंड दिया गया था, तो कौन सी महिला थी जो कि बिहार में, बिहार की थी, जो कि उनका आवाज़ उठाई थी। तो ये हो जाएगा कौन सा, तो इसमें हो जाएगा कुसुम कुमार देवी। कौन थी, कुसुम कुमार देवी, जो कि बिहार की महिला स्वतंत्रता सेनानी थी, कि भगत सिंह को मृत्युदंड के विरुद्ध में आवाज़ उठाने के लिए लोगों को संगठित किया था, एकत्र किया। कौन थी, तो कुसुम कुमारी देवी, आप लोग इसको याद रखिएगा। और उनका मृत्यु कब हुआ था, 23 मार्च 1931। देखिए भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, तीनों का कब मृत्यु हुआ था, तो 1931 में। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी, तो इसमें हो जाएगा कुमारगुप्त प्रथम। कौन सा होगा, कुमारगुप्त प्रथम। अगला है देखिए 72 नंबर का, इसमें राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि यदि हवा में प्रकाश की गति सी द्वारा दर्शाया जाता है और किसी माध्यम में भी द्वारा, तो माध्यम के अपवर्तनांक की गणना निम्नलिखित सूत्रों का उपयोग करके की जा सकती है, तो सी बटे में भी हो जाएगा। अगला है कि संविधान का कौन सा भाग देश के निर्वाचित निर्वाचन के प्रावधानों से संबंध हो जाएगा, निर्वाचन कहते हैं। देखिए इसमें 73 क्या हो जाएगा, 73 का राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 73 का राइट ऑप्शन डी 15, कौन सा हो जाएगा, 15। देखिए इसमें बात कर लेते हैं कि 324 ले 329 तक क्या है, चुनाव आयोग की स्थापना है, इसमें अनुच्छेद में दिया गया है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत लोकसभा एवं राज्यसभा के राज्यसभा विधानसभाओं में निर्वाचित के लिए संचालन, निर्देशन एवं नियंत्रण की जिम्मेदारी का आयोग के अधीन है। ठीक, अगला है इसमें क्वेश्चन, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में भारत सरकार का वार्षिक वित्तीय विवरण सदन में उस दिन प्रस्तुत किया जाएगा जो जो यानी जब जब यहाँ पर होना चाहिए, कब होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति निर्देशित करे। नेक्स्ट है, दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार कितने अक्षांशों के बीच है, तो देखिए इसमें राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी हो जाएगा। भारत का रूर किस नदी बेसिन को कहा जाता है, भारत का रूर कह रहा है, तो इसमें हो जाएगा दामोदर। कौन सा हो जाएगा, दामोदर। देखिए 77 का राइट ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 14 आ जाएगा। आप लोग बना लीजिएगा, इसमें पूछ रहा है कि कितने वर्ग हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सुमिलित है, चलिए देख लेते हैं। कह रहा है कि टॉम ऑफ सैंड, टॉम ऑफ सैंड किसका हो जाएगा, तो गीतांजलि श्री का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, गीतांजलि श्री का हो जाएगा। फायरलेस गवर्नेंस इस किसका हो जाएगा, तो ये हो जाएगा किरण बेदी। कौन सा हो जाएगा, किरण बेदी। फायरलेस यहाँ पर फियरलेस हो जाएगा, फियरलेस गवर्नेंस किरण बेदी का हो जाएगा। द इंडियाज, द आइडियाज ऑफ जस्टिस ये किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा देखिए अमर्त सेन, किसका हो जाएगा, अमर्त सेन का हो जाएगा। और द इनहेस्टिस ऑफ लॉस किरण देसाई का हो जाएगा, द इनहेस्टिस ऑफ लॉस किरण देसाई का हो जाएगा। इसमें देखिए 78 का राइट ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है, तो इसमें देखिए राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पश्चिमी घाट। कौन सा हो जाएगा, पश्चिमी घाट। नेक्स्ट है कि कौन सा ऊर्जा की इकाई के समतुल्य नहीं है, समतुल्य नहीं है, तो इसमें हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, ध्वनि तरंग का वह गुण जो ध्वनि के तरत्व को निर्धारित करता है, तो ये कौन सा हो जाएगा, आवृत्ति। कौन सा हो जाएगा, आवृत्ति। सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज कहाँ खोला गया था, सबसे पहला, तो ये हो जाएगा एंटवर्प। कौन सा हो जाएगा, एंटवर्प। देखिए सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज एंटवर्प में खोला गया था, विश्व का पहला स्टॉक एक्सचेंज एंटवर्प कहाँ है, तो बेल्जियम, तब उसके बाद नीदरलैंड का अंग था, बेल्जियम किसका, नीदरलैंड के अंग था उस समय, 1631 ईस्वी में स्थापित किया गया था। और दूसरा पूछेगा तो लंदन के स्टॉक एक्सचेंज हो जाएगा 1773 में। देखिए 83 का इसमें राइट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक ना,
84 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में इसको सम्मिलित कीजिए। चलिए देख लेते हैं। देखिए इसमें सबसे पहले कह रहा है कि मध्य रेलवे, मध्य रेलवे कहाँ हो जाएगा तो मुंबई में हो जाएगा, ये CST मुंबई में हो जाएगा। और पश्चिम रेलवे, पश्चिम रेलवे कहाँ हो जाएगा तो चर्च गेट मुंबई, चर्च गेट मुंबई। आप पूर्व रेलवे, पूर्व रेलवे कहाँ पहुँच जाएगा कोलकाता। दक्षिण पश्चिम रेलवे हुगली हो जाएगा। तो इसमें देखिए राइट ऑप्शन नंबर 84 का बी हो जाएगा। और वही पूछेगा उत्तरी पूर्वी सीमांत रेलवे तो मालेगांव हो जाएगा, आ उत्तरी मध्य रेलवे इलाहाबाद, आ पूर्वी तट रेलवे भुवनेश्वर, दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद, पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर, आ पूर्व मध्य रेलवे कहाँ हो जाएगा यहीं पर हाजीपुर। ठीक है, देखिए 85 का राइट ऑप्शन नंबर इसमें डी हो जाएगा। अगला है कि वर्षा के दिनों में इंद्रधनुष नजर आने के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी प्रकाशीय घटना है, तो इसमें हो जाएगा प्रकीर्णन। कौन सा हो जाएगा? प्रकीर्णन हो जाएगा। आ इंद्रधनुष कहाँ बनता है? जो सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। ठीक ना। अगला देखिए, इसमें कह रहा है कि एक लड़के का परिचय देते हुए, देखिए यहाँ पे रीजनिंग का प्रश्न है, आप लोग बना लीजिएगा इसका। इसका राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आंटी हो जाएगा यानी चाची। नेक्स्ट कह रहा है कि कौन अंतर्राज्यीय परिषद की अध्यक्षता करता है, तो इसमें हो जाएंगे कौन? प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री हो जाएंगे। ठीक ना। नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है, तो ये हो जाएगा भाग दो। कौन सा हो जाएगा? भाग दो। भाग एक में क्या है? राज्यों का संघ। और वहीं भाग पाँच में बात कर लेते हैं, तो राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत शासित राज्यों के राज्यपाल के सदस्य होते हैं। और भाग चार में क्या हो जाएगा? तो केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा नहीं है, उनके प्रशासन परिषद की चर्चा हो जाएगा। ठीक ना। नेक्स्ट है कि भारत में अरावली पर्वत का निर्माण हुआ है, भारत में अरावली पर्वत का निर्माण हुआ है तो कैलिडोनियन युग। कौन सा जगह? कैलिडोनियन युग। नेक्स्ट है काकरापारा भारत का एक परमाणु ऊर्जा केंद्र है, यह किस राज्य में स्थित? काकरापारा। तो काकरापारा कहाँ हो जाएगा? तो गुजरात में हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कागज का प्रचलन भारत के किस प्रम में किया गया था? कागज का प्रचलन तो इसमें हो जाएगा अरब। कागज का प्रचलन भारत में किसने प्रम किया था? तो अरब ने हो जाएगा। ठीक। अगला है कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी, तो ये कौन सा हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा नासिरुद्दीन खुसरो शाह। कौन सा हो जाएगा? नासिरुद्दीन खुसरो शाह हो जाएगा। ठीक। अगला देखिए 94 नंबर कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था, प्रथम विश्व युद्ध का? तो इसमें हो जाएगा फर्डिनेंड की सरजोवा में हत्या हो जाएगा। देखिए ऑस्ट्रिया का राजकुमार था आर ड्यूक फर्डिनेंड, जो कि सरजोवा में हत्या इसको कर दिया गया था, और प्रथम विश्व युद्ध के तत्कालीन कारण था। और प्रथम विश्व युद्ध की बात कर लेते हैं, तो 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया द्वारा हंगरी के साथ मिलकर सर्बिया पर आक्रमण किया। ठीक। अब प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुआ? तो 11 नवंबर 1918 को हुई थी। नेक्स्ट है देखिए 95 नंबर कह रहा है कि एक ऐसा व्यक्ति जो भविष्य में शेयर की कीमतों में गिरावट का अनुमान लगाया है और इसलिए अपने शेयर बेच देता है और लाभ कमाता है, उसे कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाएगा बियर। उसे क्या कहता है? बियर। नेक्स्ट है देखिए 96 नंबर में क्या हो जाएगा? 96 का इसमें राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें सम्मिलित करना है, चलिए देख लेते हैं। कह रहा है कि स्थल और अनुसूची यूनेस्को में राज है, एलोरा 1983 में हुआ था, ये कहाँ का है? तो महाराष्ट्र का हो जाएगा एलोरा। और केवलादेव राष्ट्रीय पार्क है, केवलादेव कहाँ हो जाएगा? तो राजस्थान का हो जाएगा, 1985 में किया गया था। रानी की बाव 2014 में, ये कहाँ का है? तो गुजरात का हो जाएगा। और सांची का स्तूप कहाँ हो जाएगा? तो मध्य प्रदेश का हो जाएगा। ठीक। इसमें देखिए 97 का राइट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी आ जाएगा। अगला कह रहा है कि एक प्रश्न, बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री थे, बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसमें देखिए 98 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, महामाया प्रसाद सिन्हा। कौन थे? महामाया प्रसाद सिन्हा। देखिए बिहार के प्रथम निर्दलीय एवं गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा थे, जो कि 1967 से 1968 तक रहे थे, 67 से 1968 तक। आप ब्रिटिश शासन के बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री मोहम्मद यूसुफ यूनुस थे। ठीक। अगला है कि देखिए इसमें यहाँ पे देख लेते हैं,
कह रहा है कि बिहार सरकार द्वारा कृषि रोड मैप की शुरुआत कब की गई। कृषि रोड मैप की शुरुआत इसमें हो जाएगा 2008, कौन सा हो जाएगा 2008 है। और वर्तमान में कृषि रोड मैप जो कि चौथा है और 2023 से 28 के बीच में, इसका प्रारंभ 1 अप्रैल 2023 में हुआ है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा उद्घाटन किया गया है। देखिए 100 नंबर में इसमें राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आप लोग इसको निकाल लीजिएगा। देखिए आप लोग का ये आज का सेट संख्या 5 समाप्त हुआ, और आप लोग को PDF इसका चाहिए तो आप लोग नवहट्टा टेक ऑफिशियल टेलीग्राम पर सर्च कर भी इसका ले सकते हैं, या आप लोग का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग इसका PDF ले सकते हैं। देखिए आप लोग थोड़ा अपना सपोर्ट कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इतना ही, जय हिंद।